हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भाजपा समर्थक कोर्ट परिसर में घुसने पर चंपावत ने उठाया ऐतराज, माहौल गरमाया जोरदार। बाली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन उम्मीदवारों के पक्ष में जोरदार भीड़ उमड़ी, इससे बाली में मेले सा माहौल देखने को मिला। इसी भीड़ के बाली कोर्ट के भीतर घुस आने से एनसीपी उम्मीदवार उमेद सिंह चंपावत बिखर गए और पुलिस को कोसने लगे। दरअसल एनसीपी के 5 कार्यकर्ताओं को नामांकन प्रस्तुत करने जाने दिया गया था और समर्थकों को परिसर के प्रवेश द्वार पर ही रोक दिया गया था, लेकिन भाजपा उम्मीदवार पुष्पेंद्र सिंह राणावत के सैकड़ों समर्थक परिसर के रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में घुस आए। इसी बात को लेकर रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष ही चंपावत ने राणावत से कड़ी आपत्ति की और वहीं धरने पर बैठ गए। बाद में चंपावत रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष से बाहर निकले और केवल भाजपा कार्यकर्ताओं की एक तरफा भीड़ कोर्ट में देखी तो वे गुस्सा हो गए और इसे पुलिस प्रशासन की ढिलाई बताने लगे। बाद में जब एनसीपी कार्यकर्ताओं को पता चला तो वे चंपावत के पक्ष में दौड़े आए। इसी बीच पुलिस द्वारा लोगों को परिसर से खदेड़ने और समर्थकों के दौड़े आने से एक बारगी माहौल जोरदार गर्मा गया, लेकिन बाद में राणावत और चंपावत अपने समर्थकों के साथ बाहर आ गए और दोनों उम्मीदवारों ने एक दूसरे के सामने क्रॉस रैली निकालते हुए पार्टियों के झंडे लहराते हुए अपने अपने पक्ष में जोरदार नारे लगवाए। इससे सड़क पर जाम की स्थिति हो गई। देसुरी से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।